कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज राज्य सचिवालय में अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने से पहले विक्रमादित्य सिंह को सैकड़ों समर्थक ढोल नगाड़े के साथ उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर राज्य सचिवालय लेकर आए। पदभार संभालने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि यह उनके लिए भावनात्मक क्षण है, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 6 बार मुख्यमंत्री बनकर यहीं से ही हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा की है। मीडिया से रूबरू होते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद उनके पिता की आत्मा को भी सुकून मिलेगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनको सबसे युवा मंत्री बनने का गौरव मिला है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने अपने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोगों का भी आभार जताया और कहा कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। कि मुख्यमंत्री जी आज बाहर के राज्य के दौरे पे है, संभावित है कि आज शाम तक वो वापस शिमला लौट आएंगे, तो जो भी जिम्मेवारी वो और हाईकमांड जिस पोर्टफोलियो के माध्यम से, क्योंकि अभी तक पोर्टफोलियो का एलोकेशन नहीं हुआ है, तो जो भी जिम्मेवारी वो हमको देते हैं, हम उसका श्रद्धापूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ उसकी उस पर अपना योग्यता अनुसार अपना उसमें पूरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा कि जो भी हमारे चुनावी वादे थे, क्योंकि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सोनिया जी का कि मुझे इस छोटी सी उम्र में विधायक के साथ साथ स्टार प्रचारक बनाया गया था और चुनावों में करीबन 15 विधानसभा हलकों में जाकर मैंने पार्टी के लिए जो है वो प्रचार किया था, कैंपेन किया था, बहुत से सीटें उसमें से जीते भी है। तो हमने भी बहुत से वादे प्रदेश के लोगों से किए हैं, सीधा संपर्क उनके साथ साधा है। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने आप लोगों की आवाज़ को जहां मुझसे हो सकेगा मैं पूरी मजबूती के साथ उठाऊंगा। और अंत में मैं यही कह सकता हूं कि जो हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहेंगे कि सरकार में आके सिद्धांत बदल जाते हैं, विपक्ष में कुछ और भाषा होती है और सत्ता पक्ष में कुछ और भाषा होती है, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मेरी भाषा वही है जो विपक्ष में थी, वो वही विक्रमादित्य था और सत्ता पक्ष में भी वही विक्रमादित्य होगा। जो मेरा सिद्धांत है, जो वीरभद्र सिंह जी ने मुझे सिखाया है, सही का समर्थन और गलत का विरोध, इस सिद्धांत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर सरकार द्वारा अच्छे कार्य किए जाएंगे उसको हम उसकी सराहना तो निश्चित तौर से करेंगे, अगर कुछ कमी पेशी भी रह जाती है तो उस विषय को हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाएंगे, सरकार के और आला जो हमारे मंत्री सहयोगी है उनके समक्ष उठाएंगे और हिमाचल के लोगों के साथ पूर्ण न्याय करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो एक बारी मैं फिर से आप चैनल जितने हमारे मीडिया बंधु है, क्योंकि आपका एक बहुत सकारात्मक भूमिका रहती है जो है वो प्रदेश की आवाज़ को उठाने के लिए, और मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा सभी मीडिया वालों से, सभी मीडिया के हमारे बंधुओं से, साथियों से, कि आप पूरे तरीके से सरकार की घेराबंदी भी करें, हमारी कोई कमी लगती है तो उसको आप उठाए भी, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी कारगुजारी जो है वो अच्छी है या बुरी है, उसमें कोई कमी पेशी है। हमको भी सीखना है, अभी इस छोटी सी उम्र में मुझे लगता है पहला सबसे युवा मंत्री मुझे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।